अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। तो यहाँ पर सुबह का हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। आज उठने में हमें देर हो गई थी और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत अजीब सी हो रही थी, शायद मौसम बदल रहा है इस वजह से। तो आज नाश्ता हमने जो है सब बाहर से ही मंगवा लिया था। तो नाश्ते में है मुझे और सिर्फ चाय बना ली थी। पेट्स की भी रोज़ ग्रूमिंग करनी पड़ती है, वरना हेयर बार बार इधर उधर कहीं ना कहीं बिखरे हुए नज़र आते ही हैं। तो ग्रूमिंग कर देने से जो है पेट भी खुश रहते हैं और बाल भी निकल जाते हैं। पेट की चाय जितनी भी देखभाल आप करिए, चाय जितनी भी अच्छे से करिए, कुछ ना कुछ नहीं होगा तो बाल निकलते ही रहते हैं। के साथ खेलने लग रहे हैं, उन्हें खेलना है कंघे के साथ। रफी हमारा जो है कभी कंघा नहीं करवाता है, वो हमेशा भाग भाग के इधर ही उधर भागता रहता है। उसे कंघा करवाना कभी भी नहीं पसंद आया, उसको जो है हम पकड़ के फिर कंघा कर रहे हैं क्योंकि वो हम ही जैसे कब हुआ था। बहुत मचल रही थी, पिक्सी हमें हाथ लगाने नहीं दे रही थी। देखिए कितना मचल रही है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं, हम आराम करते हैं, फिर अपने बर्तन अपने साथ नाश्ते के और सब लिए रहते हैं, तो सब धोने लगते हैं, सब मुँह को धोने। आज दोपहर में भी ज़्यादा कुछ खास काम नहीं था, तो हम जल्दी जल्दी बर्तन धो धा के रख दिए हैं। और दोपहर में बच्चों ने प्लान बनाया था कि हम मैगी खा लेंगे, तो दोपहर का भी खाना ना कुछ बनाना नहीं था, तो दोपहर के समय ही है सारा जो है। शाम के हमने खाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए, जल्दी जल्दी आप काम करिए, लेकिन दोपहर के बाद तक काम निपटाते निपटाते 12-1 बजे ही जाता है। दोपहर का भी समय हो गया था। बच्चे अपना मैगी बना के खा पी लेंगे, हम भी जाके थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में शाम को देखा जाएगा काम।
चलिए तो यहाँ पे हम शाम की तैयारी कर रहे हैं खाने की। तो बच्चों को नॉनवेज नहीं खाना था तो उनके लिए जो है सब्ज़ी बना रहे थे, और आज सब्ज़ी में बनाई है हमने दही वाली लौकी। तो उसके लिए जो है पैन में लिया थोड़ा सा तेल डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और मसाले में डाला है हल्दी, धनिया, मिर्चा और कसूरी मेथी। ज़्यादा कुछ खास मसाले नहीं हैं, बस बेसिक से ही मसाले डाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे क्योंकि तेल हमने कम ही यूज़ करा है, वरना सूखे मसाले हैं सारे तो जल जाएंगे। तो मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, तो बार बार दो से तीन बार पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। दोबारा पानी हमने डाला है, और ये फिर तीसरी बार पानी डाला है। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तेल ऊपर आने लगा, हल्का सा जो भी थोड़ा सा तेल डाला था वो हल्का हल्का सा तेल नज़र आने लगा ऊपर। लौकी को छोटे छोटे चंक्स में काटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पीस नहीं है, हल्के से मोटे मोटे से भी है, बहुत बारीक नहीं काटना है। जैसे आलू की सब्जी वगैरह बनाते हैं बस उसी साइज में जो है लौकी को काटी है, और पानी डाल देंगे थोड़ा सा क्योंकि लौकी खुद अपना पानी छोड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। और नमक डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, नमक मिर्ची। गैस को धीमी कर लेंगे थोड़ी, मीडियम टू लो कर लेंगे, और ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। वो 2-4 मिनट लेना ठंडी होगी, तब तक हम इधर तड़का तैयार कर लेते हैं, और फिर उसमें जो है लौकी में दही मिक्स कर देंगे। दही को ऊपर से डाल के बस हल्का हल्का सा ही मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लौकी, थोड़ा थोड़ा मसाला, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मिक्स होना चाहिए, कहीं बहुत एकदम नहीं मिक्स करना है।
डाल देंगे लाल मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। तड़का तैयार हो गया, ऊपर से डाल के ढक्कन लगा देंगे। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी हींग की और ज़ीरे की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। अब बना रहे हैं लौकी की खीर, क्योंकि बाकी लोगों के लिए नॉन वेज बन रहा था, सिर्फ फरीन और बुशरा के लिए वेज बना था, तो थोड़ी ही बनाई थी, थोड़ी लौकी बन गई थी, बच गई थी। तो यहाँ पे लौकी को हमने घिस लिया था, घिस के उसका सारा पानी निकाल दिया था। और यहाँ पे ज़्यादा डालना है नारियल का तेल, ये कुकिंग ऑयल है। चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करने से जो है अच्छी खुशबू आ जाती है उससे भी। फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ एक दो मिनट भून लिया था, फिर दूध डाल दिया था इसमें। दूध में जब तक बॉयल आएगा तब तक उसको जो है बीच बीच में हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ताकि दूध नीचे से लगे ना। ये देखिए लौकी में जो है लौकी और दूध और सब चीज़ भी अच्छे से बॉयल होने लगी है। तब इसमें डाल दिया है साबूदाना, ये भीगा हुआ है साबूदाना। और खीर की जो है रेशियो कुछ इस तरह से रहती है कि जिस भी आप कटोरी से या कप से या गिलास से नाप रहे हो, तो एक कटोरी अगर आपने लौकी ली है तो उसी का 4 गुना दूध लेंगे, और 1/3 कटोरी या कप जो भी है 1/3 जो है साबूदाना जो है। तो आप इस रेशियो से अगर बना रहे हैं तो लौकी की खीर बहुत अच्छी बनेगी। और शक्कर जो है आप अपने हिसाब से, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं वैसा जो है मिठास आप रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मीठा लीजिए, और अगर कम लेना है तो कम लीजिए। ये पिंच ऑफ फूड कलर है, ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अगर आप मन करे तो आप डाल दीजिए, ना मन करे तो ना डालिए। लेकिन थोड़ा हरा रंग डाल देते तो थोड़ी हरी हरी सी अच्छी लगती है खीर देखने में, क्योंकि लौकी है, लौकी ग्रीन होती है, अच्छा लगता है। चलिए हमारी खीर पक के तैयार हो गई। अब बना लेते हैं मटन। तो आज हम मटन झटपट सा बनाने आए हैं, तो बहुत जल्दी बन जाता है जब भी ज़्यादा काम होता है हमें। तो हम इसी तरह से जो है मटन बना लेते हैं। मटन में कुछ तो पहले सूखे मसाले डाल देंगे, जिसमें से छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लकड़ी, तेज़पत्ता। हल्का सा क्रैकल करने लगेगा तो उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाइट भूनना है, वो हल्का हल्का सा ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। फिर उसके बाद में डाल देंगे मटन। मटन को भी जो है 2-4 मिनट ही बस पकाना भूनना है। इसमें सारे मसाले, दही सब एक साथ डाल के मिक्स कर देंगे। मसालों में हमने डाला है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। और साथ में डाला है दही। सभी चीज़ को एक साथ डाल दिया है। और साथ में डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट।
तो बहुत जल्दी ही जो है रेसिपी बन जाती है और बहुत ही खाने में टेस्टी भी लगती है। एक बार जो है मेरे बनाए हुए बताए हुए तरीके से बना के देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। बस ऐसे ही हल्का हल्का मिक्स किया, नमक डाल दिया, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और साथ में ही डाल दिया है ये दही। पानी इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस जिस भी कटोरी में आपने दही को बीट करके डालना है तो दही को अच्छे से बीट कर दीजिए और रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। बस उसी को जो है हिला के बस उतना ही पानी है में गलता है और आपका मीट कैसा है, जल्दी गल रहा है देर में, वो आप अपने हिसाब से मीट को गला लीजिए। यहाँ पे जो है शाम के उषा के पापा आ गए हैं तो शाम को जो है चाय पीने की फरमाइश हो रही थी तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दूध पत्ती और साथ ही उधर दूसरे गए चूल्हे पे बन रहे हैं मेरे चावल। ठंडा हो रहा था तब तक मैं ये सारा घर का काम निपटा रही थी। चलिए देखिए दूध पत्ती में भी खौल आने वाला है, चावल भी मेरे पक गए हैं, साथ ही साथ साथ में रोटियां भी बन गई हैं तो सारा काम है किचन का भी। पत्ती भी अच्छी तरह से खोल गई है वो, एक्स्ट्रा पानी है खूब अच्छी तरह से भून लेंगे और इसी में इसी जगह पे जो है गरम मसाला साथ में ऐड कर देंगे। मैं डालना भूल गई थी तो हमने बाद में डाला था और साथ ही साथ मेरे देखिए जो है आटे की लोई भी बन रही है, साथ ही मेरी एक तरह रोटियाँ भी बन रही थी तो बनने जाए बन रही है। फरीन आ गई है मेरे साथ में रोटियाँ पकवाने के लिए, जल्दी हो जाएगा क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, टास्क रहता है।
आज फरीन ने आटा गूंदा था तो आटा ठीक से गूंदा नहीं था, बीच बीच में रोलियाँ आटे की निकल रही थी। ये देखिए बीच बीच में मैं आटे की रोड़ियाँ हटा रहे थे, चलिए यहाँ पे रोटियाँ मेरी पक गई हैं, सारा किचन का काम भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।